नमस्कार दोस्तों, मैं वीरज देव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है जी के डब्ल्यू सी यानी गेट नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक स्टडी लैम्प, लेकिन उस लैम्प को बनाने से पहले देख लीजिए ये जो लैम्प है जो मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ख़रीदा था 480 रुपीज़ का, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। मैक्सिमम 15-20 मिनट्स आफ्टर चार्जिंग और डायरेक्ट सप्लाई से नहीं चलता है। तो इसी चीज़ से परेशान होकर मुझे एक आइडिया है और वो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और देखते हैं इस नए लैंप को बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास है एक ये वुडन बार, ये मेरे घर में फर्नीचर का काम हुआ था तो उसमें से बची हुई थी। तो सबसे पहले इसमें से हम 24 और 24 सेंटीमीटर के तीन टुकड़े और दो टुकड़े 20 सेंटीमीटर के, जी हाँ, इसमें से काट लेंगे। और इसके बाद इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें से टी शेप में हम एक टुकड़ा काट लेंगे जिसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। ये भी आप देख रहे होंगे एक वेस्ट लकड़ी का टुकड़ा है, और इसमें से आप घर में ये शेप में आसानी से काट सकते हैं। ये भी एक वेस्ट लकड़ी की एक फट्टी है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, आप आगे देखिएगा। और इसके साथ ही हमें चाहिए एक वायर, इसकी लंबाई आप अपने सॉकेट के हिसाब से रख लीजिएगा। इसमें मैंने पहले से एक प्लग लगा दिया है, और टोटल जो इसकी लंबाई है वो 1.5 मीटर। और इसके बाद हम लेंगे एक मेन कंपोनेंट है जो है लाइट, ये एक एलईडी स्ट्रिप है, और ये मार्केट में आसानी से 35-40 रुपए में मिल जाती है, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो ये हैं मेन कंपोनेंट्स, और अब हम लकड़ी की प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। आप स्केल से मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने लकड़ी कटिंग पहले से ही कर ली थी। ये दो लकड़ी के टुकड़े हैं जो मैंने बताया था, इनकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा 24 सेंटीमीटर। तो दो टुकड़े 24 सेंटीमीटर के, एक तीसरा टुकड़ा और वो भी 24 सेंटीमीटर का कटेगा। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसको हम टी शेप में काट लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने पहले काट लिया था टी शेप में, और इसमें एक होल करना है, और जब मैं इसकी फिटिंग करूँगा तो आपको इसका फंक्शन पता चल जाएगा। और ये देखिए, जो बीच वाली फट्टी है 24 सेंटीमीटर की थी, और जो साइड में है ये दोनों 20-20 सेंटीमीटर की, तो इनको हमने जोड़ लिया है फेविकोल से। तो तीनों फट्टियों को हमने इस तरह जोड़ा है कि जो 24 सेंटीमीटर की फट्टी है वो बीच में है, और बैक साइड में जो बीच वाली फट्टी है उसको हमने एनग्रेव किया है। ये भी आपको बाद में पता चलेगा कि किस लिए इसको एनग्रेव किया है। तो ये इस तरह की फिटिंग है तीन फिटिंग हुई। तो दोस्तों, अब लेंगे हम सेम साइज़ की दो पट्टी जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और इसको हम बीच में से 5-5 सेंटीमीटर काट लेंगे। जो काटने के बाद इसकी शेप दिखाई देगी वो इस तरह दिखाई देगी। ये शेप हमने इस तरह की काटी है क्योंकि हमें इसका बेस बनाना है। जी हाँ, इसका बेस बन गया है, और इस पर हम इस लैम्प को फिट करेंगे। और ये है एलईडी स्ट्रिप। अब इस एलईडी स्ट्रिप की भी हमें कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसको एक प्रॉपर फ्रेम में हमें फिट करना है। तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगी। इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, या ये साइडें इसके रिमूव भी कर सकते हैं। तो जिस तरह भी इसके फ्रेम में प्रॉपर सेटिंग होगी उसी तरह हम इसको फिट कर देंगे। और ये है एलईडी स्ट्रिप के लिए एक फ्रेम, इसको भी सेम वुडन बार है उसी से कटिंग करके बनाया गया है।
इसकी हाइट आप LED स्ट्रिप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये है इसका फ्रेम। इसको हम नीचे एक शेप दी गई है, वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये शेप किस लिए है। तो ये सब हमारा मटेरियल था, अब हम सब इसकी फिटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी फिटिंग देखते हैं।
तो दोस्तों ये बन गया हमारा एक चमकता हुआ स्टडी लैंप। इसको नज़दीक से देखते हैं, उससे पहले इसकी लाइट टेस्टिंग कर लेते हैं। वाओ, अमेजिंग। तो अब आप भी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सारा सामान आपके घर पर ही मिलेगा। एक स्टडी लैंप, इसको मैं अगले वीडियो में चार्जिंग लैंप भी मैं कन्वर्ट करूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर एक नए आइडिया और नए वीडियो के साथ मिलेंगे सेम चैनल पे, जिसका नाम है GKWC यानी गेट नॉलेज विदाउट कॉलेज।